सो मेक श्योर कि अपना दिमाग का ढक्कन खोल के बैठे सर। क्यों यार, लॉजिक बड़ा साफ हमेशा ऐसा कहा जाता है कि दो चीजें हमेशा तभी काम आती हैं जब वो खुली हो, पहला दिमाग, दूसरा छतरी। जरा आप 18 से, है ना, 18 से 48 के कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना कि जॉब मिली, रिटायर हो गए, फर्क क्या पड़ेगा, आप अपनी अपनी जिंदगी लिखने वाले हैं तो क्या करने वाले हो, बस ऐसा टाइम बिता देना। सर 18 साल के आज हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, समय बीतेगा ही और इसमें भी पहुंच ही जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ के ऑथर हो तो आप क्या लिखने वाले हो ये सोच के देखना। मैंने जन्म लिया, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपको सोचना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। जन्म लिया, मैंने एजुकेशन ली, इस स्कूल से ली, यहां जन्म लिया, ये मेरे पेरेंट्स थे, फिर मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिल गई, ये बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया, मेरी सैलरी पैकेज इतना लग रखा था, मैं कभी कभी यहाँ टूर ट्रेवल पर जाता था, फिर मेरा रिटायरमेंट हुआ और अब मैं ऐसा हूँ, ये लिख रहे होंगे। या कुछ ऐसा सेंस ऑफ प्राइड कि मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया जिससे मैं हजारों लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सका। सोचना पड़ेगा तुम्हें, ये आपका पर्पस डिफाइन करेगा कि यार अगर आप अपनी लाइफ के ऑथर हैं तो आप अपनी जिंदगी की किताब कैसे लिखना पसंद करेंगे, जो चार पन्ने में खत्म हो जाए और जो सभी की हो, या कुछ ऐसा अलग, कुछ ऐसा नया जिसमें इनोवेशन क्रिएशन दिख रहा हो। किसी को देखा और हमें लगा यार शायद इसके जैसा बनना है, इस व्यक्ति जैसा मुझे भी बनने लगा है, हम उसी लाइन में लग गए कि बस ऐसा ही कुछ क्रिएट कर देना है। स्टार्टिंग के लिए मोटिवेशन, गुड जॉब, सेकंड पॉइंट देखिए। लेकिन अगर आपको सस्टेनेबिलिटी शो करनी है, टिके रहना है, तो एक डिजायर, वो एक आग अंदर होगी कि इस वजह से मैं काम करूं, वो रीजन जो आप ढूंढ पाओ कि शायद काम करना क्यों है। तो अगर सस्टेन करना है तो डिजायर होनी चाहिए, लेकिन अगर ग्रो करना है, अगर कुछ अचीव करना है, तो आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट। और ये क्रिएट कौन करेगा, आप खुद। आखिर में एक प्यारा सा मैसेज आप सभी के लिए, प्यारा सा मैसेज, अगर बनना है तो हॉट एयर बलून बनो। सर क्यों, जब तक अंदर की आग जिंदा रहेगी तब तक ऊपर जाओगे। अंदर की आग अगर ठंडी पड़ गई तो आज नहीं तो कल नीचे जरूर आओगे। रिपीट कर दूं, अगर बनना है तो हॉट एयर बलून जैसा बनो, जब तक अंदर की आग जिंदा होगी तब तक ऊपर जाओगे। और अगर अंदर की आग ठंडी पड़ गई तो आज नहीं तो कल नीचे जरूर आओगे। तो सर ये एट द एंड ऑफ सीन कहना चाहूंगा, अंदर की आग जलाए रखने का कारण ढूंढो, वो वाई, कारण होना ही चाहिए।